फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्स्ट टाइम लाइव। वेल, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसने पॉपुलर रियलिटी शो यानी कि मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो में जाकर एक अलग ही फेम पाया। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं हाल ही में घर से बेघर हुए यानी कि बिग बॉस सीजन 12 से बेघर हुए रोहित सुजाति। जी हाँ, रोहित फाइनली जो है अब घर से बेघर हो गए हैं और घर से बेघर होते ही उन्होंने ढेर सारी बातें कही हैं, ढेर सारे राज खोले हैं और सबसे खास बात तो ये है कि आज हम आपको उनकी ही जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुनी बातें, कुछ अनसुने राज बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके भी जरूर होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, किस तरीके से रही उनकी जर्नी बिग बॉस में नहीं बल्कि रियल लाइफ में, उनकी जर्नी कैसी रही है, कितने टीवी शोज करे हैं, कहाँ से वो आए हैं, कितनी खूबसूरत जर्नी है, इंस्पिरेशन वाली जर्नी है या नहीं, आप कैसे जान सकते हैं उन्हें और भी बेहतर तरीके से, चलिए आपको भी सुनाते हैं कुछ अनसुने राज, कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप भी रोहित के या तो फैन हो जाएंगे या तो उनके दीवाने हो जाएंगे। चलिए सुनाते हैं आप सभी को रोहित के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें। रोहित सुजाति, जी हाँ, बिग बॉस 12 से फेम पाने वाले द वेरी फेमस एक्टर रोहित सुजाति भले ही घर से बेघर हो गए हैं। जी हाँ, वाइल्ड कार्ड पर एंट्री करने वाले रोहित घर से बेघर हो गए हैं, लेकिन आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर अदर नेम की बात करें तो रोहित जैन भी बोलते हैं इन्हें। निकनेम की बात करें तो छुटकू, बहुत ही प्यार से इनके भाई बुलाते हैं इन्हें। बाय प्रोफेशन एक्टर हैं और जैसा जानते हैं कि बिग बॉस 12 में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये नजर आए हैं। तो वहीं बता दें आप सभी को बेघर हो गए हैं बिग बॉस 12 से रोहित। आई कलर की बात करें तो ब्राउन, करियर की बात करें तो डेब्यू बता दें उन्होंने टीवी के फेमस शो सास बिना ससुराल में किया था 2010 में एज अ चाइल्ड एक्टर। उसके बाद 2014 में प्यार तूने क्या किया में भी नजर आए हैं रोहित। जी हाँ, बता दें आप सभी को डेट ऑफ बर्थ 6 अप्रैल 1996 है, बर्थ प्लेस मुंबई। जी हाँ, पढ़ाई की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप स्कूल शिलोंग, नवी मुंबई हाई स्कूल, उसके बाद शानदार तरीके से उन्होंने खुद को प्रूव किया। जी हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट हैं। फूड हैबिट की बात करें तो वेजिटेरियन। हॉबीज की बात करें तो कुकिंग, ट्रैवलिंग, स्विमिंग, जिमिंग बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद है। आपको बता दें रोहित सुजाति एक भारतीय अभिनेता हैं जिन्होंने भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 12 में पार्टिसिपेट कर सभी को हैरान किया। तो वहीं उनके भाई जो है उन्हें प्यार से छुटकू बुलाते हैं और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपनी जितनी भी टीवी शोज करें उन्होंने उसमें खुद को बेहतरीन तरीके से प्रूव किया है। बता दें आप सभी को परिवार में उनका एक भाई सोबी सुजाति हैं और उनकी कोई बहन नहीं है। उन्होंने कई स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की है जैसे कि शिलांग में स्टेप बाय स्टेप स्कूल, मुंबई में नवी मुंबई हाई स्कूल और बेंगलुरु में बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने बॉयज स्कूल में अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करी है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी। जी हाँ, जिसके चलते उन्होंने सास बिना ससुराल 2010 में एक बाल कलाकार के रूप में टीवी शो में शुरुआत करी। रोहित ने ससुराल सिमर का, वरे हाय, साथ निभाना साथिया ऐसे कई सारे टीवी शोज में खुद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रूव किया है। जी हाँ, उन्होंने साथ निभाना साथिया टीवी धारावाहिक में रमाकांत मोदी गोपी के पुत्र की भूमिका अदा करी थी जिससे उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली। तो वहीं 21 अक्टूबर 2018 को उन्होंने बिग बॉस रियलिटी 12 में जैसा हमने देखा ही है घर में वाइल्ड कार्ड की रूम एंट्री ली, लेकिन जानते हैं कि अब वो बेघर हो गए हैं। तो वहीं बता दें कि उन्होंने बाहर आने के बाद बहुत सारी बातें भी करी है। जी हाँ, उन्होंने खुलासा किया है कि बिग बॉस हाउस में उनकी पसंदीदा कह सकते हैं पार्टिसिपेटर या कंटेस्टेंट जो है वो सुरभि राणा है। बता दें आप सभी को अगर फेवरेट थिंग्स की बात करें तो उनका पसंदीदा यानी कि उनका फेवरेट एक्टर सलमान खान, शाहिद कपूर और ऋतिक रोशन है। फेवरेट एक्ट्रेस की बात करें तो उन्हें माधुरी दीक्षित बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उन्हें जिम और योग करना यानी एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप सभी को बता दें कि बाहर आने के बाद उन्होंने सिस्टी रोडे के बारे में भी बहुत सी बातें बोली हैं। जी हाँ, आपसे भी देखा ही होगा कि बिग बॉस सीजन 12 में जब वो थे तो वहाँ उनकी मुलाकात सिस्टी रोडे से हुई थी। सिस्टी रोडे भी घर से बहुत जल्द बेघर हो गई हैं, लेकिन आप जानती हैं कि सिस्टी रोडे और रोहित सुजाति के बीच में बहुत ही एक कह सकते हैं दोस्ती देखने को मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित की तरफ से कुछ स्पेशल देखने को मिलता था। लेकिन वही इस बारे पर खुलासा करते हुए रोहित ने साफ साफ ये कहा है कि देखिए सिस्टी काफ़ी अच्छी दोस्त है और वो
काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं। हाँ, मेरे उनके साथ अच्छी अटैचमेंट ज़्यादा थी, लेकिन मुझे पता था कि बाहर उनके लिए कोई है, तो मैं हमेशा अपनी लिमिट में ही रहा। तो वहीं आप सभी को बता दें कि जब रोहित से पूछा गया था कि शुभमो ने मनीष नागदेव का जिक्र करते हुए कहा गया था, अगर सिस्टी की ज़िंदगी में मनीष नहीं होते तो वो सिस्टी को ज़रूर अप्रोच करते, इस सवाल पर भी रोहित ने कहा कि नहीं, मैंने ये बात इस तरह से नहीं कही थी, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई लड़की हो गई तो मैं चाहता हूँ कि वो सिस्टी जैसी ही हो। अब रोहित सिस्टी से मिलने कब जाते हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इन सब बातों से पता चलता है कि रोहित कितने ज़्यादा मैच्योर हैं, कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने ये हैंडल किया। तो वहीं अगर हम उनकी फिल्म की बात करें तो बता दें आप सभी को और आपकी जानकारी के लिए कि काबिल किश्ती बद्रीनाथ की दुल्हनिया टू स्टेज जैसी फिल्मों में भी रोहित नज़र आ चुके हैं और बड़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने इन सभी फिल्मों में एक्टिंग करी है। वहीं हॉलीवुड की बात करें तो द फॉल इन आवर स्टार्स, द कंजरिंग 17 अगेन, स्टेप अप। फेवरेट फिल्म की बात करें तो रोहित को काबिल किश्ती बद्रीनाथ की दुल्हनिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वहीं बता दें आप सभी को फेवरेट टीवी शोज बिग बॉस, एमटीवी रोडीज, इन सभी को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हुए रोहित नज़र आए हैं। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोहित ने बहुत ही शानदार तरीके से टीवी शोज में काम किया और टीवी डेब्यू की बात करें तो सास बिना ससुराल में उन्होंने जिस तरीके से चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग करी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। लेकिन वही कॉन्ट्रोवर्सीज की बात करें तो आप सभी को बता दें कि कॉन्ट्रोवर्सीज सिर्फ और सिर्फ सुशील लोढ़े के साथ रही है रोहित की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ससुराल सिमर का में बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करी और उनके साथ दिव्या कक्कड़ भी नज़र आई। लेकिन उसके बाद भी आपने सीज़न में देखा ही होगा बिग बॉस 12 में कि वो दिव्या कक्कड़ के साथ इतनी उनकी नहीं बन रही थी और उन्होंने कई बार उनके सर भी करी, लेकिन फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी और काफ़ी अच्छे से वो सबके साथ रहकर आए हैं। बता दें आप सभी को आपकी जानकारी के लिए कि ही इज़ अ पैशनेट कुक, खाना बनाना रोहित को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जी हाँ, एंड ऑल्सो उन्हें डॉग बहुत पसंद है। जी हाँ, डॉग लवर हैं रोहित सुशांती और बेहद ख़ास और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपनी कह सकते हैं एंट्री ली बिग बॉस 12 में और कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ साफ रिवील कर दिया है कि अगर उनकी कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है तो वो है वन एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ सुरभी राणा। जी हाँ, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जिस तरीके से सुरभि राणा खेल रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उनकी फेवरेट वही हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं किस तरीके से सुरभि राणा गेम खेल रही हैं, लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है रोहित ने बड़ी खूबसूरत तरीके से अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी है और आगे आने वाले समय में ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि रोहित किस तरीके से इन सभी चीज़ों को हैंडल करते हैं और कितना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। पर फिलहाल तो जिस तरीके से उन्होंने ये सारे अपने टीवी शोज में बेहतरीन काम करा है, तो रियलिटी शो की बात करें तो उन्होंने बॉन्डिंग की बात करें तो आप सभी ने देखा ही होगा कि विकास गुप्ता के साथ रोहित की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, करण कुंद्रा के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं रोहित सुशांती। बॉन्डिंग की ही बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विकास और रोहित सुशांती की बॉन्डिंग बहुत ही खास है और वो आपको दिखेगा जिस तरीके से रोहित ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। जी है, और आगे देखना ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर बिग बॉस सीजन 12 का विनर कौन होता है। लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके से रोहित ने अपना ये जर्नी तय करी है वो काफ़ी ज़्यादा यादगार है और बाहर आने के बाद भी वो काफ़ी मैच्योरली सब चीज़ें हैंडल कर रहे हैं और हर एक सवाल का बहुत ही खूबसूरत तरीके से जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। वह इतनी मैच्योर तरीके से अगर रोहित हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं सीरियल और नए नए टीवी शोज में देखने के लिए उनके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो देखा आपने किस तरीके से रोहित सुशांती ने अपनी जर्नी तय करी। जी हाँ, टीवी शोज में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के बाद उन्होंने बॉलीवुड की तैयारियां भी करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 12 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने के बाद उन्होंने खुद की परफॉर्मेंस में बहुत ही सुधार लाया और भले ही आज वो घर से बेघर हो गए हैं लेकिन बाहर आने के बाद यानी कि इविक्शन के बाद उन्होंने ढेर सारे इंटरव्यूज को बड़े ही मैच्योर तरीके से हैंडल किया है और उनकी ये इंस्पिरेशन वाली स्टोरी हर किसी को बेहद ही पसंद आई होगी और लग रहा है कि रोहित सुशांती की इस शो के बाद फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। वेल, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसे किसी खास प्रोग्राम के साथ किसी खास इंसान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। लेकिन आज के लिए बस इतना ही।